हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजन। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का जो भी क्वेश्चन बाकी है उसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुका हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 2 काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, पांचों को मैं आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बिना देखे या फिर आंसर देखे इसका मतलब कि जो खाली वहां पर मत भरना, आप इसे बनाकर वहां पर भरोगे तो बहुत ही मतलब कि आसान होगा और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे यहाँ पर आता है, और ऐसे ही आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेगा वो भी आप बना सकते हो। इसलिए दोस्तों आप आंसर देकर मत इसे भरना, ठीक है। आपको मैं इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जहां जहां आपको भरना है वहां वहां कैसे आप लोग भरोगे और कैसे निकाल कर भरोगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी मैं आपको अच्छे तरह से समझाकर बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं आपको 3 में पढ़कर बता देता हूँ क्या कहा जाए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहा था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त मतलब खानों के पदों को भरिए, यानी कि बॉक्सेस को भरिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोग तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि कैसे भरेंगे। ये एपी है, ये सब एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो हम कैसे यहाँ पर भरेंगे, हम कैसे यहाँ पर भरेंगे, किसका मतलब कितना मान भरेंगे कि हम इसमें से भी घटाए तो उतना ही है और इसमें से दूसरा घटाए तो उतना ही है। तो आप लोग केवल एक बात समझिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जैसे ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा पद ऐसे आप लोग याद रखोगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पद क्या होता है, ए होता है। आप सबसे पहले आप पहला सोल्यूशन देखिए, पहला सोल्यूशन कौन सा आपको सोल्यूशन देखना है, आपका यहाँ पर पहला सोल्यूशन देखना है। यहाँ पर आप सोल्यूशन लिख दीजिएगा, ये थोड़ा इसका इंक समाप्त हो गया, ठीक है, इसका इंक समाप्त हो गया है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहला सोल्यूशन समझना है, ठीक है। पहला सोल्यूशन, तो यहाँ पर जो पहला सोल्यूशन है तो 2 क्या है, पहला पद है, पहला पद क्या होता है, ए होता है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पद ए हो गया। अब पहला, दूसरा, तीसरा पद दिया है, दूसरा पद तो हमको मालूम नहीं है लेकिन हमको तीसरा पद यहाँ पर मालूम है। तो तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2 डी। तीसरा पद क्या होता है, एक कम होता है, तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 2 डी बराबर कितना दिया है, 26 दिया है, ठीक है, 26 दिया है। तो ए का मान यहाँ पर 2 है, आप 2 रख दीजिए और ये 2 डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये 2 डी हो जाएगा और 2 जाकर इधर घटेगा 26 में से, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से ये 24 कटेगा 12 बार में, ठीक है। तो हमारा डी बराबर क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद हमको मालूम नहीं है तो हमको दूसरा पद चाहिए। तो दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, एक कम होता है, ठीक है। तो ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पर 2 है और डी का मान हमारा 12 है, ठीक है, ये आपका 14 हो गया। इसका मतलब ए प्लस डी ये दूसरा मतलब कि पद है। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो यही दूसरा पद है, इसका मतलब यहाँ पर 14 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 14 रहेगा। तो ये तो आप मान निकाल लिए। अब इसका दूसरा सोल्यूशन देखिए, अब इसका दूसरा सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन पहला तो हमको मालूम नहीं है लेकिन दूसरा हमको मालूम है। दूसरा पद 13 दिया है, तो ए प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा, क्योंकि पहला पद मालूम नहीं है तो दूसरा पद मालूम है। तो दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद दिया है, तो ए प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये तो जान गए, ठीक है। अब देखिए दूसरा और तीसरा फिर नहीं दिया, फिर चौथा दिया, तो चौथा पद क्या हो जाएगा आपका, चौथा पद ए प्लस 3 डी हो जाएगा, ए प्लस 3 डी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो जाएगा और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, घटाने पर, ठीक है, ये तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये -2d हो जाएगा, -2d, और ये क्या हो जाएगा आपका 10,000, और ये 2 × 5 = 10 कट जाएगा, ठीक है। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, d बराबर -5 हो गया। अब समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए तो a का भी मान निकल जाएगा, हमारा a का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, तो ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। तो ए का मान हमको निकालना है, तो ये माइनस हो जाएगा 5, डी का मान -5 है तो -5 हो जाएगा,
और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 18। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, तो एन क्या है, पहला पद। तो यहाँ पर पहला पद खाली है, पहला पद जो बॉक्स दिख रहा है ये खाली है, तो यही ना पहला पद है। तो यहाँ पर ये 18 हो जाएगा, क्योंकि ये पहला पद है तो ये 18 हो जाएगा। अब हमको तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस टू डी होता है। तो ए प्लस टू डी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान 18 और प्लस 2 इंटू डी का मान -5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 और -5 गुना 10, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। यानी कि तीसरा पद हमारा 8 मिल गया, तीसरा पद 8 मिल गया। वैसे ही ये तीनों क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं तीनों क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, कि तीनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको मैं 3 बता रहा हूँ, ठीक है। 3 में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पहला पद ए दे दिया है, तो ये तो सिंपल हो गया, ए बराबर हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद भी नहीं दिया, चौथा पद दिया। तो चौथा पद क्या दिया है, चौथा पद होता है ए प्लस 3 डी। जब भी कोई भी पद कहेगा मतलब पांचवा या छठा, तो उससे कम लेना, ठीक है। तो ए प्लस 3 डी बराबर कितना हो जाएगा, 9.1/2, ठीक है। इसको क्या क्या करोगे आप लोग, 3 डी हो जाएगा, ये का 9 दूना 18, 19/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2a हो जाएगा और प्लस 6d हो जाएगा, 3 दूना 6d = 19, ठीक है। अब a का मान इसमें रख दीजिए, 2 गुणे 5, ठीक है, प्लस 6d = 19 हो जाएगा, ठीक है। ये 6d हो जाएगा और ये हो जाएगा 19 -5 गुना 10, ठीक है। तो 6d बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो d बराबर 9/6, तो 3 3 9 और 3 2 6, तो हमारा d बराबर 3/2 आ गया, d बराबर 3/2 आ गया। तो a और d का मान निकल गया, तो इसका मतलब हम तीन क्वेश्चन नंबर 3 हम बना लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा पद देखिए, तो दूसरा पद होता है a प्लस क्या होता है, a प्लस d होता है। तो a का मान कितना है, 5 है, और प्लस d का मान 3/2, ये कितना हो गया, 5 10 3 13/2। आप इसको 6 पूर्णांक 1/2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वही भरना, ठीक है, यहाँ पर क्या भरोगे, 6 पूर्णांक 1/2, ठीक है। अब तीसरा पद देखिए, तीसरा पद क्या होता है, यहाँ पर तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d बराबर a का मान कितना, 5 है, और प्लस 2 × 3/2, डी का मान है 3/2, तो ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए हम 6 पूरा 1/2 उसके नीचे भर दिए, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 गौर से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में दोस्तों देखिए ए दे दिया है। तो ए का मान हमारा पहला पद ए बराबर -4 तो हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया है, तो छठा पद क्या हो जाएगा, a + 5d = 6, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान -4 रख दीजिए, ए का मान -4 + 5d = 6, तो 5d हो जाएगा इक्वल टू, ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 6 + 4 = 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 2 मर्त में कटेगा, ठीक है। तो d बराबर हमारा 2 हो गया। तो a और d का मान निकल गया, तो a और d का मान निकल गया, तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। दूसरा पद क्या होता है, a + d, तो a का मान -4 + d का मान 2, ये -2 हो गया। अब तीसरा पद देखिए, यहाँ पर तीसरा पद देखिए, तीसरा पद a + 2d बराबर क्या हो जाएगा, a का मान -4 और +2 × 2, ठीक है। ये -4 + -4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो हमारे 0 मिलेगा, ठीक है। अब चौथा a + 3d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - -4 + 3 × 2, ठीक है। तो ये -4 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, ये घटेगा तो हमारा 2 मिल जाएगा। अब हमको दूसरा, तीसरा, चौथा पद, अब पांचवा पद निकालना है, तो a + 4d हो जाएगा, 1 - -4 + 4 कितना है, 4 × d का मान, डी का मान कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये -4 हो जाएगा और +8 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या क्या भर सकते हैं, यहाँ पर -2 भर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर
जीरो भर सकते हैं, यहाँ पर टू भर सकते हैं, यहाँ पर फोर भर सकते हैं, तो वैसे ही इसको भी बनाना है, लेकिन यहाँ पर पहला पद नहीं दिया है तो इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन दूसरा और तीसरा उतार लिए हो और पहला, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर फाइव बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, ये भी बहुत निजी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं आपको बताऊंगा, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पद नहीं दिया है, तो ये पहला दूसरा हो गया, तो दूसरा दिया तो ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिया है, तो छठा क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 डी, ए प्लस 5 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -22। अब इसको घटाने पर, घटाइए, माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, दिया क्या हो जाएगा, -4 डी, और ये क्या हो जाएगा आपका, घटेगा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 4 चौका 16, इसलिए डी बराबर -4 हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे, यहाँ पर तो 4D दोस्तों, यहाँ पर माइनस ना है कहाँ, हाँ माइनस है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4D हो जाएगा, -4D, और इसको जोड़िए, 10 का 0, 5 6 5 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4D, तो कितना, 15 चौका 60, 15 मर्त में कटेगा, ठीक है। तो हमारा डी बराबर -15 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, तो अब डी का तो मान निकाल लिया, अब समीकरण, ये तो समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में डी का मान रख दीजिए, इक्वेशन 1 में अब डी का मान रख दीजिए, ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान, ए अब -15, डी का मान -15 है, और ये हो जाएगा आपका 38, तो ए बराबर ये क्या जाएगा, हो जाएगा, छूटेगा तो 53 हो जाएगा, ठीक है, आपका 53 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान 53 मिल गया, डी का मान -15 मिल गया, तो आप ए का मान क्या भर सकते हैं, यहाँ पर 53 भर सकते हैं, 53, ठीक है। अब आपको पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद क्या होता है आपका, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, तो ए का मान कितना है, ए का मान 53 है, और प्लस 2 गुणा डी का मान कितना, -15, ठीक है। ये जगह 53 -15 दुना 30, ये क्या हो जाएगा आपका, 23, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। अब आपको चौथा पद चाहिए, तो ए प्लस 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए का मान 53 है और प्लस 3 × D का मान -15, ठीक है। तो 53 -15 = 45, ये तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पांचवा पद चाहिए, तो ए प्लस 4D, ए प्लस 4D पद क्या होता है, ए का मान 53 है और प्लस 4 × D का मान -15, तो 53 -15 = 60, ये आपका -7 बचेगा, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बाकी है मैं 2 बार में समाप्त कर दूंगा, आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, जो भी एक्सरसाइज 5.2 है वह समाप्त हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग उतार लिए हो तो मैं इसको मटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मटाऊंगा, ठीक है, और ये आप लोग तब तक उतारिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्या क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके बोर्ड में एक ही बार नहीं पूछा है बल्कि बार बार पूछा है, एक बार शायद ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था दोस्तों। यहाँ पर दिया है एपी दिया है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एपी 3.8.13.18 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे तो पहले आपको यहाँ पर एपी दिया है, एपी कितना दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है और 18 दिया है, पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, यही आपसे पूछ रहा है, कौन सा पद 78 है, तो आप लोग कैसे इसको बनाओगे, ठीक है, कौन सा पद 78 है, तो आप लोग ध्यान से देखना, ए का मान हमारा यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है, और डी का मान हमारा 8 में से 3 जाएगा, तो डी बराबर 5 हो जाएगा,
और हमारा एन का मान दे दिया है 78। एन का मान क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और हमको एन बराबर निकालना है कि क्या होगा, एन कौन सा पद 78 है तो एन बराबर कितना है। तो आप लोग फॉर्मूला में जानते होंगे कि एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फॉर्मूला से। तो एन का मान 78 है, ठीक है, और ए का मान 3 है, और प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान हमारा 5 है, ठीक है। तो 78 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, और ये बाटा हो जाएगा, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो ये 5 बाटा में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, एन माइनस वन बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 78 में से 3 गया 75/5 इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये कितना बार में कटेगा, 15 बार में, ठीक है। तो 15 बराबर एन माइनस वन, इसलिए एन बराबर 16वां पद, ठीक है, 16वां पद आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। अब दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इतना है, क्वेश्चन 6 और 7, 8, 9, 10 जो भी है बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो 5 नंबर के आपके बोर्ड में आता है। सिंपल है लेकिन आपके बोर्ड में 5 नंबर का आता है। तो दोस्तों अगर चाहते हो कि उस क्वेश्चन को मैं देखूँ तो आप लोग हमारा वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, और आने वाला वीडियो को आने वाला जो भी हमारा वीडियो है उसका वेट जरूर करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, छोटा छोटा है क्वेश्चन लेकिन आपके बोर्ड में 5 नंबर को वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप हमारा वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जितना शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर देना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक है, और आने वाला वीडियो का वेट जरूर करना, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन और 5 से जो भी क्वेश्चन है 5 से बताऊंगा, ठीक है, और जितना हो सके उतना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर हमारा वीडियो का वेट करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में